सोलह सौ का क्षेत्र बराह भवानी की मोक्षस्थली, कपिल मुनि की तपस्थली और मानसकार गोस्वामी तुलसीदास की जन्म स्थली है। यहाँ नित्य प्रतिदिन दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात आदि विभिन्न प्रांतों से इस उनके प्रयास ने, उनके इस कार्य ने ये सिद्ध किया कि योगी आदित्यनाथ जी जो कहते हैं वो करते हैं। और उन्होंने एक बहुत पुरानी लंबित ऐसी मांग जो जनमानस में बहुत प्रतिष्ठित वर्षों से इस यहाँ के जनमानस की अपेक्षा रही थी कि सोलह सौ का क्षेत्र को तीर्थ स्थल के रूप में तीर्थयात्री गंगा स्नान करने, अस्थि विसर्जन करने और अपने पितरों का स्नान करने आते हैं। तो उनकी सुख सुविधाओं के लिए वर्षों से, कई दशकों से मांग थी कि सोलह सौ का क्षेत्र को सरकारी रूप में मान्यता दी जाए, जिससे सरकार की तरफ से जो उनकी व्यवस्था होती है, सड़क, बिजली, पानी या सुरक्षा संरक्षा या जो कोई भी व्यवस्था होती है सरकार की तरफ से सुख सुविधाओं की, वो बढ़ोतरी होगी। तो हमारी योगी सरकार से यहाँ की बहुत उम्मीदें थी, तो योगी सरकार ने उस उम्मीद को पूरा किया है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का और मैं आपके साथ श्रुति झा। चुनाव का समय है, आगे आगामी चुनाव को लेकर जितनी भी पार्टियां हैं सारी पार्टियां मैदान में उतर गई हैं। जी हां, अगर पार्टियों की बात करें तो कोई पार्टी आंदोलन में शरीक होते हुए दिख रही है, तो कोई पार्टी दुख सुख में जाकर गले लगाते हुए दिख रही है, तो कोई पार्टी अपनी योजनाएँ गिनवा रही है। सवाल यही है कि क्या यूपी की जनता बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होगी इन चीज़ों को देखकर, क्योंकि उनके अंदर कहीं ना कहीं ये सवाल आएगा कि इससे अच्छा काम कौन कर रहा है, कौन सी पार्टी सबसे बेहतर काम यहाँ पर काम कर पाएगी। आज हम मौजूद हैं कासगंज जिले के सोरो में, जहाँ पर आपको बताएं कि यह जो धरती है, यह इससे आगे आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो गंगा नदी आपको मिलेगी। और इसके साथ हम आपको बताएं कि यहाँ पर कल यानी शुक्रवार को यहाँ पर योगी जी के ट्वीट से एक जानकारी दी गई, जिसमें ये बताया गया कि इस स्थान को तीर्थ स्थल यानी ऑफिशियल तीर्थ स्थल घोषित कर देना चाहिए, क्योंकि इससे कई सारे रोजगार भी पैदा होंगे और साथ साथ जो लोगों का जो जीविकोपार्जन है वो बहुत ज़्यादा उसमें बढ़ोतरी होगी। कुछ स्थानीय लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, पीछे आप देख सकते हैं कुछ युवा हैं, कुछ बुजुर्ग लोग हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे कि इस स्थल को तीर्थ स्थल बनाया गया है, इससे यहाँ पर क्या क्या कुछ अच्छा हो सकता है और योगी सरकार के साढ़े चार साल के कार्यकाल में कितनी सुख सुविधा यहाँ के जनता को मिली है, सीधे बात करते हैं और जानते हैं। आप शुभ नाम बताओ। आदित्य दुबे है मेरा नाम। भाई साहब मुझे ये बताइए, चूँकि कल जो उनका एक निर्णय है वह बेहद कहें कि बीजेपी के लिए एक बढ़िया पत्ता है, तो क्या लगता है कि ये जो इन्होंने किया है कि इस स्थल को तीर्थ स्थल घोषित कर दिया, तो क्या लगता है इसके बाद बीजेपी का जो आगामी चुनाव है उसमें वोटों की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है? जो संख्या है, भारत की आत्मा तीर्थों में वास करती है, तीर्थों का विकास ही भाजपा का ही भी उद्देश्य है। वर्षों से इस यहाँ के जनमानस की अपेक्षा रही थी कि सोलह सौ का क्षेत्र को तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किया जाए, क्योंकि सोलह सौ का क्षेत्र बराह भवानी की मोक्षस्थली, कपिल मुनि की तपस्थली और मानसकार गोस्वामी तुलसीदास की जन्म स्थली है। यहाँ नित्य प्रतिदिन दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात आदि विभिन्न प्रांतों से तीर्थयात्री गंगा स्नान करने, अस्थि विसर्जन करने और अपने पितरों का स्नान करने आते हैं। तो उनकी सुख सुविधाओं के लिए वर्षों से, कई दशकों से मांग थी कि सोलह सौ का क्षेत्र को सरकारी रूप में मान्यता दी जाए, जिससे सरकार की तरफ से जो उनकी व्यवस्था होती है, सड़क, बिजली, पानी या सुरक्षा संरक्षा या जो कोई भी व्यवस्था होती है सरकार की तरफ से सुख सुविधाओं की, वो बढ़ोतरी होगी। तो हमारी योगी सरकार से यहाँ की बहुत उम्मीदें थी, तो योगी सरकार ने उस उम्मीद को पूरा किया है। तो निश्चित ही सोरों की पब्लिक योगी पे इतनी फिदा हो गई है कि वोट का जो प्रतिशत होगा जिस दूना हो जाएगा। इससे पहले किसी सरकार में इस तीर्थ का विकास नहीं हुआ। उससे पहले हमारे बाबू कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री रहे थे, उस टाइम भी यह तीर्थ के लिए 53 लाख रुपए की व्यवस्था की गई थी। आज से 21 साल पहले कल्याण सिंह मुख्यमंत्री रहे थे, तब उन्होंने व्यवस्था की थी। इस यहाँ की सोरों के तीर्थस्थल की मांग भारतीय संसद में पहली बार हमारे सम्माननीय सांसद जी राजवीर सिंह राजू भैया ने भी संसद में दो बार उठाया था। विधायक
देवेंद्र सिंह राजपूत हैं, सदर विधायक हैं हमारे, उन्होंने मुख्यमंत्री से कई बार सोरों को तीर्थस्थल रूप में विकसित करने का मांग की थी। कई बार वीडियो कॉन्फ्रेंस वगैरह हुई, हमने भी मांग रखी थी। हम विभिन्न विभागों के मंत्री आते थे, कैबिनेट मंत्री आते थे, राज्य मंत्री आते थे, उनसे हम मांग करते थे सोरों को तीर्थस्थल के रूप में विकसित किया जाए, क्योंकि पुराना एक सनातन तीर्थ है। इससे भाजपा को बहुत भारी लाभ होने वाला है। विपक्षी पार्टियां तो ऐसा भी आरोप लगा रही हैं कि चुनाव आते आते ही इनको ये सब कुछ याद आता है, जितने भी चाहे अब नौ मेडिकल कॉलेज देख लें, कुछ दिन पहले नौ मेडिकल कॉलेज मोदी जी ने उत्तर प्रदेश में दिया है, फिर उसके बाद कल इस स्थल को तीर्थस्थल घोषित कर देना। सीधे तौर पर वो आरोप लगाती है कि साढ़े चार साल में इन्होंने कोई काम काज नहीं किया है, अंतिम समय आते आते ये चुनाव को देखते हुए ऐसा करते। 22 जून 2018 में जब मुख्यमंत्री एटा आए थे तो उन्होंने तीर्थ स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा की थी, उसकी वीडियो है। अब क्या हुआ कि 1920 में कोरोना काल हो गया, उसमें सरकार भाई अपने जनता की सेवा में बिजी हो गई, भाई पैकेज भी देना है, तो उन्होंने घोषणा अब की है। कोरोना काल नहीं होता तो पहले घोषणा हो जाती। 22 जून 2018 को एटा में घोषणा की थी कि सोरों को तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। विपक्षियों की मांग तो चुनाव के टाइम पर बोरियत भरी मांग है, उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं रहा है। तीर्थस्थल घोषित कर उन्होंने विपक्षियों का मुंह बंद कर दिया है। देखिए, खास बात ये होती है कि जो भी चीज़ें हमारे आसपास होती है, कवि जो है अलग तरीके से उसको पेश करते हैं आगे। अब बहरहाल चुनाव का समय है, यहाँ पर बहुत बड़ी बात हो जाती है कि योगी जी ने अपने ट्वीट से ये जानकारी दी है कि इस स्थल को जो है एक तीर्थ स्थल घोषित कर देना चाहिए। क्या लगता है, कैसा कदम है ये? मैं आपको अभी बात करते करते ही भावुक हो गया हूँ। दरअसल क्या है कि हमारी दशकों पुरानी मांग थी और दशकों से हम सभी तीर्थवासी इस मांग को पुरजोर तरीके से उठा रहे थे और पूर्व की सरकारों ने घोषणाएँ भी की, वायदे भी किए, लेकिन कोई भी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरा। पिछली जो अखिलेश जी की सरकार थी और यहाँ हमारे जनपद में एक मंच पर कार्यक्रम था और माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, तो उन्होंने हमारे प्रतिनिधि मंडल को ज्ञापन लेने से भी रोक दिया, बड़ा अपमानित करके हमको वहाँ से अपमानित करके वहाँ से हमें भेजा गया था। तो जैसे ही 2017 में योगी जी चीफ मिनिस्टर बने तो यहाँ के लोगों के मन में एक जो आशा और विश्वास की एक किरण उभर के आई कि चूँकि माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, वो संत भी हैं, तो शायद इस चीज़ के बारे में कुछ करेंगे। और जैसा सभी लोगों ने प्रयास किया और उन्होंने जो वायदा किया एटा में, उन्होंने पिछले वर्ष घोषणा की थी कि हम इसको तीर्थ स्थल का दर्जा देंगे, और उस मांग को उन्होंने पूरा करके अपने उस वचन को पूरा किया जो उन्होंने यहाँ की जनता से को दिया था। तो निश्चित ही इस उनके प्रयास ने, उनके इस कार्य ने ये सिद्ध किया कि योगी आदित्यनाथ जी जो कहते हैं वो करते हैं, और उन्होंने एक बहुत पुरानी लंबित ऐसी मांग जो जनमानस में बहुत प्रतिष्ठित थी उसको पूरा किया। आज पूरा नगर उनकी गुणगान कर रहा है और निश्चित ही इसका लाभ आने वाली चुनावों में भाजपा को मिलेगा। सोरों का इतिहास अगर हम पलट के देखें तो उसमें साफ तौर पे ये था कि यहाँ से जो है विष्णु भगवान ने नाग पर इस जगह को उठाया था। क्या मान्यता है? ये इस तरह से है कि जैसे भगवान विष्णु के जो बराह, मतलब जितने भी अवतार हुए हैं उसमें से ये तीसरा अवतार यहाँ उन्होंने बराह के रूप में लिया था कि हिरणाक्ष और हिरणाकश्यप दो भाई थे। हिरणाकश्यप जिनके पहला जो पुत्र थे, जिनको सभी जानते हैं, उनका एक भाई हिरणाक्ष था जो कि पृथ्वी जिस समय जलमग्न थी, बहुत ज़्यादा उसका विस्तार नहीं हुआ था, तो उसको उठा करके वो ले जाता है, हरण करके ले जाता है और विष्ठा के कुंड में यानी कि गंदगी के कुंड में उसको ले जाके स्थापित कर देता है। तो देवलोक में तरह 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 हाहाकार हुआ, तो सभी देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास पहुँचे, उन्होंने प्रार्थना की कि प्रभु पृथ्वी को बचाइए। तब उन्होंने बराह का रूप धारण किया और हिरणाक्ष दैत्य का वध किया, और वध करने के उपरांत अपने शरीर के मोक्ष के लिए उन्होंने इस स्थान को चुना, और इस स्थान पर मार्गशीर्ष के महीने में एकादशी को व्रत किया
और अपने इस शरीर का देह का विसर्जन किया इसी कुंड में, और यहाँ जो कुंड है वो उन्हीं के द्वारा खोदा गया है। तो वराह प्राण 18 प्राणों में से एक वराह प्राण है जिसमें उनका पृथ्वी से संवाद है। उस पूरे प्राण में वराह भगवान वराह का और पृथ्वी का संवाद है, और उन्होंने उसमें कहा है कि प्रक्षिप्तासु वर्ग रेणु रेणु रूप प्रजायती, कि हे देवी मेरे प्रभाव से इस कुंड में डाली हुई अस्थियाँ 72 घंटे में रेणु रूप हो जाएंगी। तो वो प्रभाव यहाँ दिखता है, यहाँ हजारों की संख्या में प्रतिदिन दूर दूर से तीर्थयात्री आते हैं अपने पूर्वजों की अपने पितरों की अस्थियाँ लेकर के और इस कुंड में डालते हैं, और हजारों वर्षों से ये कार्य चल रहा है और यहाँ वो 72 घंटे में रेणु रूप हो जाती हैं। कोई इसकी हमने कभी सफाई वफाई होते हुए नहीं कुंड को देखा।